स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग। सबसे पहले हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कहीं पे भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी। सबसे पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज करो, उसके बाद ही अपनी ट्रेड लो। यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, वेट करते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड ले ली हायर ऑप्शन के लिए। क्यों मैं बायर्स के साथ गया? क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है और ये जो रेड कैंडल है उसने कोई न्यू लो नहीं बनाया। ओके, ये पिछली वाली कैंडल भी रिजेक्ट हुई है, लेकिन यहाँ पे गैप था, इसके लिए गैप फिल करने के लिए सेलर्स हैं। अब गैप देखो बहुत ही छोटा है, तो अगर मार्केट नीचे आएगी भी तो रिजेक्ट होके ऊपर ही जाएगी। प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे भी लेवल है, ये भी एक सपोर्ट है जो कि यहाँ पे काम करेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो ट्रेड ले ली हायर ऑप्शन के लिए, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो बायर्स की ही बनेगी। हो सकता है ये वीक ग्रीन बने, लेकिन ये ग्रीन ही बनेगी। तो वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायर्स ही है, जैसे मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो बायर्स की ही बनेगी। मैं क्यों यहाँ पे बायर्स के साथ गया? बहुत ही सिंपल रीजन। सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे देखो ये राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है। ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई, उसने न्यू लो बनाया। नेक्स्ट जो लेवल था राउंड नंबर वो यहाँ पे, तो ये गैप फिल करने के लिए सेलर्स है। अब मार्केट लेवल के नजदीक आ चुका है। और दूसरी एक और चीज आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे भी लेवल है। इसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स के साथ ही चला गया, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे से पता था कि नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स ही आएंगे। इसके लिए मैंने दो ट्रेड ले ली हायर ऑप्शन के लिए। अगर मार्केट नीचे जाता भी तो रिजेक्ट होके ऊपर ही जाता, और दोनों ट्रेड विन की। अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, डिटेल स्क्रीन पे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।